मैं हूं आपका रंगीला शेफ हरपाल सिंह सोखी, लेके आया हूं ओली स्पेशल रेसिपी। ओली स्पेशल नहीं सर यार, होली स्पेशल है। मैं ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है जी। बना रहा हूं गुजिया, और वो भी चॉकलेट और मावा की सी। सबसे पहले ये गुजिए के कई सारे मोल्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, फिलिंग। अच्छा, फिलिंग बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक दो ऑलरेडी तैयार कर रखा। दो तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, मैदा लेना है 500 ग्राम, ठीक है जी। उसमें डालना है घी, 6 बड़े चम्मच घी डालें, मसल के बढ़िया सा डो बना लें, खस्ता टाइप, ठीक है। ये देखिए हार्ड सा डो है ये। अब फिलिंग बनाने के लिए, क्योंकि मावा यानी कि खोया जिसे हमने यहाँ पाया है, ये 1 कप ग्रेटेड खोया, चॉकलेट, आहा क्या बात है, कोई भी चॉकलेट लें, ये 2 बड़े चम्मच चॉकलेट डाल दी, डेसिकेटेड कोकोनट, आहा 1/2 कप ये ले लिया, ये डाल लिया, थोड़े से किशमिश ले लें ये 1 बड़ा चम्मच, जो भी आपके घर में नट्स हो, ये कैशू नट ये डाल लेते हैं, चॉप कैशू नट, चॉप आमंड्स, ठीक है जी, 1 बड़ा चम्मच ये डाल लिया, थोड़ी सी इलायची पाउडर चुटकी भर ये डाल ली, आहा क्या बात है, और जायफल का पाउडर, ठीक है जी, 1 जायफल ने चुटकी भर जायफल का पाउडर ये, आहा। अब ये सारी चीजें मिक्स कर लें बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, वो मैं सोच रहा हूं या तो आप अपने लिए ऑप्शनल रखें या आप डाल लें, वो है शुगर, ये पाउडर शुगर। मैं 1 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर डाल लेता हूं, आप ऑप्शनल रखिए। अगर आप मीठा खाते हैं बढ़िया तरीके से तो 1.5 से 2 चम्मच डाल लें। अब बनाएंगे गुजिया। अब सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए फिलिंग तो हमने बना ली है, लेकिन ये जो डो बनाई है इसे रोल कर लें, ये रोल कर ली डो इस तरह से। अब इतने बड़े बड़े ये पेड़े काट लिए, क्या बात है, अब क्या करें, ये लीजिए थोड़ा सा घी, ये सभी पे लगा लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। ओहो, अब फटाफट क्या करना है, ये लीजिए घी लगा दिया, ये गुजिया की कवरिंग, ठीक है जी, ये देखिए कवरिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो मैदा ज्यादा खिलाना है या फिलिंग ज्यादा खिलानी है ये आपके ऊपर है। अब तो यार शेप जो है ना मजेदार हो तो मजा आ जाता है, ये खींच के डाल दिया। अब इसको दबा लेते हैं थोड़ा सा, और फिलिंग ये ली, ये फिलिंग कर लें, दोनों तरफ भर लेता हूं मैं, और थोड़ा सा पानी ये एजेस पे लगा लूं। अब इसे फोल्ड करना है, और ये लीजिए भाई साहब, जिनकी जिनकी जरूरत नहीं है इसमें वो निकल जाएं, ये लीजिए ये जिस जिस की जरूरत नहीं है वो बिल्कुल यहां से निकल जाएं, और आप भाई साहब, ओहो हा 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 हा, क्या बात है, ये देखिए वो मजा आ गया, वो यार बढ़िया शेप हो तो मजा अलग। यहाँ पे घी मैंने गरम कर रखा है, अब ये जो गुजिया बनाई है, आहा हा, इनको मैं ये घी में छोड़ देता हूँ, ये लीजिए क्या बात है, घी जो है ना बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब कि इतना गरम हो गुजिया जो है फ्राई होने लगे लेकिन काला ना, मतलब ब्राउन होने ना लगे, ठीक है जी। मैंने घी को पहले थोड़ा सा गर्म किया था, अब फिर बंद कर दिया ताकि ये बढ़िया फ्राई हो जाए, आहा ये क्या बात, क्या बात। अब जैसे ये गुजिया जो है ये देखिए, आहा ये बढ़िया
गोल्डन ब्राउन हो जाए फ्राई, इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लें। हा हा, फ्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट, और कैसे फ्राई करना वो बहुत जरूरी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज डो में कितना घी जाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओ, परोसने के लिए ये क्या बात, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि मैं इसे सजाऊं या इंतजार करूं या खा लूं। Food, food, it's sizzling.